अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इमॉडरेशन ऑफ इफ्त, जो कि मीटलेस डेज का चैप्टर नंबर 7 है, जिसको लिखने वाली हैं सारा सुलेरी। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को इफ्त के बारे में, उसका सारा के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में, इफ्त की हैबिट्स के बारे में बताया जाएगा, फिर इफ्त की शादी और उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उसकी डेथ, ये सब कुछ इसके अंदर हमें बताया जाएगा। इमॉडरेशन कहते हैं वो बंदा जो खुद के ऊपर रिस्ट्रेंट ना लगा सकता हो, रुकावट ना लगा सकता हो, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल ना हो उसका, और चीज़ों में वो ओवरली इंडल्ज्ड हो, ठीक है, उसको कहते हैं इमॉडरेशन। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर जब ओपन होता है बिल्कुल स्टार्टिंग पे, हमारे पास सारा सुलेरी अपना जो इफ्त के साथ रिलेशनशिप है उसको बताती हैं। जैसा कि ओपनिंग लाइन है, एट फर्स्ट आई थॉट शी वॉज द एयर आई ब्रेथ्ड, but if it was prior before my mechanical bellows hit the air to take up their fanning habit, if it had preceded me, leaving her haunting aura in all my mother's secret creases, in the most constructive period of my life she lay around me like an umbilical fluid. ab is line ke andar kya bataya gaya hai ki if it jo hai iske itne close hai, if it jo hai wo इसके साथ क्लोज बॉन्डिंग रखती थी, जहाँ ये होती थी इफ़त इसके साथ होती थी। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया जो इफ़त की हैबिट्स थी, दे वर कूल टू सारा सुलेरी। और सारा कहती जब मेरी लाइफ का बहुत कंस्ट्रक्टिव पीरियड था, जब मैंने लर्निंग करनी थी, सीखना था, उस टाइम पे इफ़त मेरे साथ साथ रही है, मेरा बड़ा ख्याल रखा है। तो यहाँ से फर्स्ट थिंग, उसकी हैबिट कूल है, ये पता लगा हमें सारा के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, इफ़त जो है वो केयरिंग नेचर रखती है, किसने बताया, सारा ने बताया। फिर ये कहती है, आई वॉज स्लीप इन साइड हर इन्फ्लुएंस वन आई डिड नॉट येट नो हाउ टू स्लीप, कि जब मुझे सोना नहीं आता तब मैं उसके इन्फ्लुएंस में सोई। मतलब इन शॉर्ट, लाइफ के हर पीरियड के अंदर, जब इसका कंस्ट्रक्टिव पीरियड था, वहाँ पे हर जगह इफ़त ने इसका साथ दिया, एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह। तो ये कहती थी, मैं और इफ़त ट्विन्स ही हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे थे, लेकिन फ़र्क क्या था, मैं 4 साल बाद पैदा हुई थी। इफ़त का पैदा हुई थी, हमने पापा इन पाकिस्तान पढ़ा कि इफ़त 1949 में पैदा हुई थी, ठीक है, तो 4 साल बाद, यानी कि सारा सुलेरी 1953 में पैदा हुई है। सारा फिर अपनी क्लोजनेस बताते हुए कहती है, अपना लव, अपनी अफेक्शन बताते हुए कहती है कि शाहिद जो है वो मेरी आँखों के लिए एप्पल है। शाहिद वॉज द एप्पल ऑफ माई आई वेन आई वॉज 6, जब मैं 6 साल की थी। लेकिन इफ़त के बारे में कहती है, इफ़त बिलोंग टू अ मोर बर्निश्ड कॉम्प्लेक्शन एंड वॉज द गोल्डन एप्पल्स ऑफ माई सोल। गोल्डन मीन्स गोल्डन, जो आपके लिए एक रेवोल्यूशन का पीरियड लेके आए, एक तब्दीली का, एक बेटरमेंट का पीरियड लेके आए। कहते हैं ना गोल्डन एज ऑफ माई लाइफ, हम कहते हैं ना इस तरह से, मतलब वो लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड था, दैट इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ, ठीक है। सेम यहाँ से गोल्डन एप्पल्स मीन्स गोल्डन एप्पल सिम्बलाइज कर रहे हैं बेस्ट थिंग को, कि इफ़त जो है वो सारा के लिए बेस्ट थिंग है, एक बेस्ट चीज़। फिर इसके अलावा उसने इफ़त की स्लीपी हैबिट के बारे में बताया कि इफ़त जो है उसको सोना बहुत पसंद था। वो कहती नींद तो उसको ऐसे आती थी जैसे एक मेम्ब्रेन जो है ना वो आपके करीब आके आपकी बॉडी को कवर कर लेता है। फिर वो अपनी और इफ़त की आवाज़ के रिजेंबलेंस का बताती है, और इसके बाद इसकी स्टोरी जो है वो शिफ्ट होती है न्यू हेवन की तरफ। न्यू हेवन में जोनाथन नेम का एक पर्सन था जो इसको घर की तरफ ड्रॉप कर रहा था ड्राइविंग करते हुए, और उस ड्यूरेशन में जोनाथन उसकी सिस्टर को कहता है, मीन सारा को कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की डेथ के बारे में लिखना होगा। इट मीन्स इस पैसेज पता लग रहा है कि जो इफ़त है उसकी डेथ हो चुकी हुई है, और डेथ के बाद ये न्यू हेवन में है, और न्यू हेवन में इसको जोनाथन ड्रॉप कर रहा है, और ड्रॉप करते हुए उसको सारा को इफ़त की डेथ के बारे में लिखने के लिए कहा है। तो आगे सारा कहती है नॉनसेंस। फिर कहती है जब मैं घर आई तो मैंने उसके बारे में सोचा कि जो बेसिकली इफ़त की डेथ के बारे में लिखना इज़ नॉट बेसिकली अबाउट इफ़त्स डेथ, ये क्या है, उसको ट्रिब्यूट देना है, ठीक है। इफ़त्स हैज़ नथिंग टू डू विद डाइंग, उसका मरने से कोई लिंक नहीं था। इट हैज़ टू डू विद द प्राइज अ माइंड मस्ट पे व्हेन इट लिव्स इन अ ब्यूटिफुल बॉडी, कि जब एक माइंड अलाइव होता है एक ब्यूटीफुल बॉडी के साथ, एक ब्यूटीफुल माइंड, उसको ट्रिब्यूट देना था, ठीक है। तो ये पर्पस था लिखने का। और इसके बाद व्हेन शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू राइट, तो उसके दौरान इसको कहती है ऑफ ऑल हर हाउंटिंग एस्पेक्ट्स दैट रिटर्न टू मी, अब उसको सारी यादें याद आई हैं, उसमें से एक कौन सी याद आई है, वो ये वाली कि इफ़त जो है
वो रिस्ट बहुत ज़ोर से पकड़ती है, हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ती है। तो इट मीन्स यहाँ पर इफ़त को स्ट्रॉन्ग तौर स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया गया है। कहती वो इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ती है, उसकी जो रिस्ट है उसमें इतनी पावर थी कि इवन शाहिद के साथ उसने एक दफ़ा रेसलिंग की करते उसने शाहिद को हरा दिया, उसको ड्रॉप शाहिद डाउन, उसको नीचे गिरा दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सारा फेमिनिस्टिक जो अप्रोच है उसको भी यहाँ पे वो पॉलिश कर रही है। फिर इवन कहती थी कि पॉलिश जो थे वो हार्ड होते थे, वो भी हम लोग इफ़त से ही घुलवाया करते थे। फिर इसके बाद उसने इफ़त की एक और हैबिट के बारे में बताया कि इफ़त को स्विंग करना जो था ना वो बहुत पसंद था। कहती है एक दफ़ा इफ़त ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा और हम दोनों ज़ोर से भाग रहे थे, तेज़ तेज़ भाग रहे थे, और उसने मेरा हाथ ज़ोर से जब पकड़ा हुआ था इट वॉज़ लाइक कि एक मेरे रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन थी, आई वॉज़ फीलिंग सफोकेशन। एनी हाउ सारा जो थी वो झूले पे बैठी थी और इफ़त उसको झूले दे रही थी, और वो स्विंग कहाँ पे थी, वो स्विंग नथिया गली में थी। कहती नथिया गली में चिनार ट्री था, वहाँ पे वो स्विंग बांधी हुई थी, और वो स्विंग किसी मैसिव लिम्ब के साथ एक लार्ज स्पिरिटेड जो मैन था पर्सन था उसने बांधी होगी इसको। एनी हाउ ये स्विंग का बताती है और बताती कि जो स्विंग थी वो इफ़त का पैशन थी एज अ चाइल्ड, और कहती है इफ़त मुझे वो झूले बड़े शौक से देती थी, और कहती है पता नहीं जब मैं उस झूले पर बैठती थी मुझे समझ नहीं आती थी मैं किस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, जिस जगह पर बैठी हूँ उसको, यहाँ पर इफ़त की आंखों को देखकर उसकी खुशी को। कहती इसके बाद इसका कोलैप्स हुआ ट्रैम्बलिंग ऑन द हिल, तो उस दौरान सारा के कहती है सॉरी इफ़त के कहती है इफ़त इसको अप्रिशिएट करते हुए कहती है दैट वॉज ब्रेव ऑफ यू सारा सिंस यू आर सो स्मॉल। अब उसको यहाँ पे वो ब्रेवरी पे अप्रिशिएट करी उसको नहीं, लेकिन साइज पे जो उसने कहा है ना यू आर स्मॉल इसको सारा हाईलाइट करती है। ठीक है, तो वो हमेशा सारा की हाइट के ऊपर पड़ा कमेंट करती होती थी, तो सारा कहती मैंने उसको याद दिलाया कि शायद इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन यू, आई रिमाइंडेड हर वंस व्हेन शी सीम टू be slipping beyond my grasp। लेकिन अगर से इफ़त का क्या रिस्पॉन्स था, इफ़त कहती है ये इस ये अलग चीज़ है, शाहिद का छोटा होना अलग चीज़ है, क्यों दैट्स डिफरेंट, ही इज़ अ बॉय वो एक लड़का है। यहाँ पर भी सारा ने फेमिनिस्टिक अप्रोच जो है वो शो कर दी है। सारा कहती थी कि मेरा लड़की होना क्यों मैटर करता है, मतलब मैं लड़की हूँ तो मेरा साइज़ क्यों मैटर करता है कि मैं स्मॉल हूँ या नहीं हूँ। तो सारा जो है सारा की बहन उसकी बात सुन के आगे चला जाती थी और कभी कहती थी आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट यू आर टू यंग टू सी, कि जो तुम जानने के लिए जो तुम देखने के लिए अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें अभी वो चीज़ें नहीं बता सकती। तो इट मीन्स कि अभी भी लड़की की हाइट बहुत मैटर करती है सोसाइटी के अंदर। एनी हाउ आपने उस क्रिटिसिज्म को हाईलाइट किया। उसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है जब इफ़त जो है वो 8 साल की हो चुकी हुई है, यानी कि 1957 का टाइम पीरियड बनता है ना, क्योंकि वो 1949 में पैदा हुई थी। एनी हाउ अब वो जब 8 साल की हो गई है तो उसकी जो लुक है बड़ी ब्यूटीफुल हो चुकी हुई है, खूबसूरत दिखती है, उसके फादर भी उसको देख के बड़ा अडोर कर रहे हैं, लेकिन मदर जो है उसकी खूबसूरती देख के परेशान हो रही है। क्यों? ड्यू टू सोसाइटीज़ प्रेशर। कैसा प्रेशर है? मुआशरा सही नहीं है और वो अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के बारे में केयरफुल है। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है इफ़त्स ग्रेस वॉज फ्राइटनिंग टू हर एज शी वॉज्ड हर चाइल्ड एंड हैड टू कंटेम्पलेट व्हाट द वर्ल्ड कुड एक्सेक्ट फ्रॉम ग्रेस, हाउ आई मस्ट कंसंट्रेट शी थॉट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस गर्ल फ्रॉम व्हाट कुड बी द पोर्शन ऑफ सच एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ फेस। अब क्योंकि इफ़त बड़ी हो गई है सारा छोटी है, तो इफ़त जो है सारा के साथ वैसे टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही, तो सारा जो बड़ा उदास होती है। जैसे कि टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में आई एम ट्राइंग अलोंग अ रोड साइड इन कराची दैट इज़ अ स्टोनी एंड रेजिस्टेंट सरफेस ऑन विच टू रन एंड क्राई बट शी हैज़ लेफ्ट मी फॉर बिहाइंड सो आई नो दैट आई विल नेवर कैच अप विद हर एंड दैट आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी द ओनली ऑडियंस टू माई टीयर्स। फिर वो कहती है थोड़ी देर बाद कुछ टाइम गुजरा, मैं 3 साल की हो गई। ठीक है, अब सारा 3 साल की है, तो इट मीन्स दोनों की एज में 4 साल का गैप था, तो इट मीन्स अब जो इफ़त है वो 7 साल की होगी। ठीक है, तो पता लग रहा है स्टोरी जो है एक लीनियर फॉर्म में लिखी गई, इवेंट्स आगे पीछे किए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कहती है मैं 3 साल की थी, कराची हाउस में थे हम, बरांडा में बैठी हुई थी और मैं इफ़त को देख रही थी। इफ़त जो है ना एक हैवी रोप के साथ जिसके ऊपर बैम्बो स्क्रीन्स लगी हुई थी, बड़ा ना ज़बरदस्त ट्विल्स कर रही थी, डांस कर रही थी। अब वो करते करते क्या हुआ, वो करते करते गिर गई और उसका जो हेड था जो स्कल था वहाँ से फिर ब्लड निकलना शुरू हो गया। जैसे कि टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ इट डांसेस ट्विल्स एंड विल्स
Her white muslin frock is a further admiration round her limbs, until her forehead meets with sickening crack and evil abutment of plaster. How efficiently the fabric of her dress absorbs the abundance of her blood. I hear Ifrit screaming, "Papa, Papa," shaking off her entanglement in rope and sharpness of her fall. डोट 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 कंटिन्यू मीन्स अब यहाँ पे उसने स्टाइल बताया, राइटर का स्टाइल चेक करें आप कि उसने यहाँ पे अच्छी सी मतलब वर्डिंग यूज़ की है, कनिंगली वर्डिंग यूज़ की है कि वो ऐसे डांस कर रही थी, रोप के साथ खेल रही थी, खेलते हुए वो गिरी, उसने जो अपना ड्रेस पहना हुआ था वो ड्रेस भी गंदा हो गया और वो ड्रेस अचानक ही खून से भर गया. वो खून कहाँ से आ रहा है? उसके फोरहेड से. ये स्टाइल है जिसको उसने सिंपल बताना था कि उसके स्कल के ऊपर इंजरी हुई है, वहाँ से उसका ब्लड निकला है. और कहती है Her 7-year-old skull was knitting before three of us. कि वो जो स्कल था वो इनके सामने स्टिचेस लगाए गए थे उसको. फिर वो कहती हालांकि जो इफ़त थी वो ज़ख्मी थी, लेकिन फिर भी उसका जो रूल था, जो मास्टरी थी हमारे ऊपर, वो कंटिन्यू रही. फिर कहती है 2 decades later 20 साल बाद इफ़त जो है वो सारा के पास थी और इफ़त ने वो सारी स्टोरी जो इसके साथ हुआ था, किस तरह ये गिर गई थी, इसको ब्लड निकला था, ए टू जेड सब कुछ सारा को नरेट की. इफ़त कहती सारा कहती है ये उसे स्टोरी इस तरह नरेट कर रही थी जैसे मैं कुछ जानती नहीं, मैं वहाँ पर थी नहीं, लेकिन फिर भी उसे सारा कुछ जो जो इसके साथ हुआ था, किस तरह ये गिरी थी, इसका खून निकला था, ए टू जेड सब कुछ सारा को बता रही थी अपने बारे में कि उसको जब उसके इंजरी हुई थी तो कैसा पेन होता था और वो उसके जो वाउंड था उसके हील होने का वेट करती थी, सो ऑन. फिर इसके बाद सारा बताती है इफ़त जो है हम लोगों को डिफरेंट गेम्स खेलने में ऑर्डर्स भी देती थी और हमें गाइड भी करती थी, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती थी. शी मेड अस प्ले एंड प्ले अंटिल द वेरी इंटेंसिटी ऑफ हर इन्वेंशन मेड अस फील एज दो वी कोलैबोरेटेड विद हर इन मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ आवर लाइव्स. कहती मैं जब भी सुबह उठती थी, उठते साथ ही मैं सोचती थी कि हम क्या खेलेंगे आज. और इफ़त जो है जब मैं प्रॉपरली उठ जाती थी, इफ़त मेरे ऊपर बिल्कुल खड़ी होती थी मेरे सर पे और बताती थी कि हम लोगों ने आज ये खेलना है, और कहती थी कि तुम्हारा आज ये रोल होगा, शाहिद का ये रोल होगा, मेरा ये रोल होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक कोटेशन में, ये यू आर ब्लिंडा एंड शाहिद पपीटो एंड आई एम डियाना, उसके बाद यू आर ग्रे रैबिट, शाहिद मॉल एंड आई एम क्रैब, टुडे वी आर गोइंग टू प्ले एट होम्स. ये डिफरेंट इसके रोल्स हैं, डिफरेंट गेम्स जो हैं डिफरेंट डेज पे ये खेलते थे, उसको इसने यहाँ पे समराइज करके राइटर ने लिखा हुआ है. फिर इसके बाद कहती है कि एक दफ़ा ना ऐसा हुआ कि एक वुलन एनिमल था जो कि शाहिद का था, उसका गुड बॉय नेम रखा हुआ था इन्होंने. उस गुड बॉय की इन्होंने शादी इफ़त की फेवरेट डॉल जिसका नाम प्रिंसेस ऑफ लवलीनेस है उसके साथ कर दी थी. अब जब शादी हुई कहती गेम में क्या पता लगा, शादी में गेम के बाद ही पता लगा हम लोगों को शादी करने के बाद कि दोनों तो एक दूसरे के बहुत पुराने बिछड़े हुए बहन भाई हैं. कहती इसी तरह हमारे जितने भी टॉयज थे हमने उनको आपस में बहन भाई बनाया हुआ था, फिर हम उनके बाद में जाके शादी भी करते होते थे. वो बड़े कॉम्प्लेक्स वे में बहन भाई थे, मतलब पहले हमने उसको बना दिया, अब हमें समझ नहीं आता था कि कैसे थे, फिर आगे से रिश्ता निकलता था तो बहुत कंफ्यूजिंग किस्म का रिश्ता होता था इन टॉयज का जो हम लोगों ने पहले बनाया होता था और बाद में हम लोगों को ये रिवील होता था खुद ही. फिर वो कहती है कि एक सॉन्ग है हु किल्ड कुक रॉबिन, ये इफ़त का फेवरेट सॉन्ग था. बताया गया कि जब सारा 19 ईयर्स की होती है तो इफ़त ना बड़े अपनी केयर शो करती है टुवर्ड सारा. कहती अगर तुम्हें कोई भी कुछ कहे, तुम्हें कोई भी तंग करे, तुमने मुझे बताना है, हम उसको मार देंगे. फिर वो दादी का एक वर्ड होता है, दादी का जो कष्ट देती थी ना दादी, वो बोलती कहती चॉप अप देयर लाइव्स इनटू लिटिल बिट्स एंड फीड देम टू द क्रोस, कि हम उनको छोटे छोटे टुकड़े करके कौवों में बांट देंगे, कबों को खुला देंगे. ये वाला वो जो दादी कर्स बोलती थी वो वाले लैंग्वेज को ये यूज़ करते बोलती है इफ़त सारा की केयर शो करते हुए. अच्छा जब इफ़त जो है ना सारा को कहती है कि तुम्हें कोई भी तंग रहे तुमने मुझे बताना है ना, इसके बाद इनका प्लान बन जाता है गुलबर्ग मार्केट जाने का लाहौर में. ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ना दो वागाबोंड्स ड्राइवर होते हैं, वो सारा को ना खा जाने वाली नज़रों से देख रहे होते हैं. इफ़त ये चीज़ देख लेती है, फिर वहाँ पर हो जाती है इफ़त की और उस वागाबोंड की लड़ाई. इफ़त कहती है हाउ डेयर यू टच माई सिस्टर, जैसे यहाँ पर नहीं चला चलता कि तुमने कभी किसी की इज्जत करना नहीं सीखी, या फिर कभी क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, इस तरह के जुमले चलते हैं ना, वही यहाँ पे बताया गया है कि ये कुछ यहाँ पे फाइटिंग हुई. फिर जब ये उससे लड़ रही थी तो उस दौरान वहाँ पे एक गैदरिंग इकट्ठी हो गई और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने आकर उसको कहा डू नॉट यू अंडरस्टैंड वट इट इज़ टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ योर सिस्टर्स,
अब इस दौरान जो वागबॉन्ड था वो चला जाता है वहाँ से, और इफ़त की जो सिस्टर, जो सारा की सिस्टर थी इफ़त, सारे उसको बड़ा प्रेस करते हैं उसकी ब्रेवरी की बेस पे। और जब ये कार में आके बैठते हैं वापस, तो सारा इफ़त को बताती है कि तुम्हारी कार की एक हेडलाइट टूट चुकी हुई है। अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कार जो है उसकी हेडलाइट टूटी है, कार का एक्सीडेंट हुआ था, वागबॉन्ड वाले ने एक्सीडेंट किया था। और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था, इसने बहुत तेज़ कार ड्राइव की थी अपनी जब इसने उन वागबॉन्ड को देखा था, और तेज़ से कार ड्राइव करते हुए इसने व्हीकल के अंदर इसको ठोकने की कोशिश की थी, तब इसकी अपनी जो है ना वो हेडलाइट वो टूट गई थी। अब ये चीज़ क्या, ये फोरशेडोइंग की टेक्निक भी है, क्योंकि इफ़त ने चैप्टर के एंड पे मर जाना है, तो इसने स्टार्टिंग में उसका ब्लड भी दिखाया कि जब वो गिरी थी, उसके बाद इसने दिखाया उस इस कार के अंदर कार के हेडलाइट का टूटना भी दिखाया। तो एंड पे क्या होगा, एंड पे ये इसका रोड एक्सीडेंट ही तो होगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर पापा इन पाकिस्तान में देखा था। और ये क्या, ये इसकी इमोडरेशन भी है, जैसा कि चैप्टर का नाम है, कि इसके अंदर लैक ऑफ रिस्ट्रेंट है, खुद को रोक नहीं पाती। जैसा कि अभी घर वापस आ रही तब भी कहती मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, मैं उनको जिंदा नहीं रहने दूंगी। और ये कहती कोई भी अगर तुम्हारे सर के बाल को भी नुकसान पहुंचाएगा सारा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज शुरू होता है उसमें स्टोरी शिफ्ट हो जाती है इसके एडोलसेंस की तरफ, कि जब इफ़त बड़ी हो रही होती है, अपने एडोलसेंस की एज में आ रही होती है, तो इफ़त जो है उसको लाइक नहीं कर पा रही होती, उसके लिए एक ट्रेजेडी होती है ये, और अपने चाइल्डहुड को बड़ा मिस करती है। जैसा कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इन दैट एरा शी हेटेड हर बॉडी विच हैड बिकम ब्यूटिफुल इन अ वे दैट वॉज टू फैमिली फॉर हर टेस्ट हंगरी फॉर चाइल्डहुड स्विफ्टर ग्रेस। कहते इस दौरान जो पेरेंट्स भी बड़ा कॉन्शियस हुए अपने बच्चे को लेकर, और जो मदर थी वो इफ़त को मॉडरेशन का जो आर्ट है उसको सिखाने की कोशिश करती होती थी कि किस तरह से सेल्फ रिस्ट्रेंट करना है। और इफ़त की जितनी भी हैबिट्स थी सब के सब उसके फादर से मिलती थी, इफ़त ने अपने फादर को बड़ा आइडियलाइज़ किया था। कहती है उसने अपने फादर से ही वाइल्ड इंक्वायरी की हैबिट्स लर्न की थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम हिम शी लर्न्ड हर स्टांस ऑफ वाइल्ड इंक्वायरी द एरोगेंट एंगल एट विच शी हेल्ड हर हेड इट वॉज हर जेस्चर्स ऑफ डिवोशन टू हिम रियली द प्राउड पोजिशन शी मेनटेन्ड वन टू कम्प्लीट डिवेस्टेशन ऑफ डोमेस्टिक सेरेनिटी दोज टू विल्स क्लैश्ड। यानी हाँ अपने फादर को बड़ा कॉपी करती थी, अपने फादर को ही कॉपी करके अपने लाइफस्टाइल को फादर जैसा बनाया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इफ़त लर्न्स टू लव अनदर मैन। ठीक है, अब वो आदमी कौन था, बेसिकली वो एक आदमी, उसका नाम जावेद था। अब यहाँ से इसकी लव स्टोरी बताई गई है, सारा कहती है मुझे जावेद पसंद नहीं था, मैंने इफ़त को बड़ा वॉर्न किया उसके अबाउट, लेकिन जो जावेद था वो रोज़ आता था और दादी के साथ बैठ जाया करता था बाहर, और इस तरह दोनों का अंदर जो रिलेशनशिप था लव का वो डेवलप हुआ। और एक दिन क्या हुआ, जो हमारी करेक्टर इफ़त है वो किनेड में पढ़ने गई, किनेड कॉलेज से पढ़े हैं ये, ठीक है, किनेड में पढ़ने गई, तो वहाँ से इफ़त और किनेड दोनों भाग गए। अब सॉरी, इफ़त और जावेद दोनों भाग गए। अब जब दोनों भाग गए तो भाग के उन्होंने शादी कर दी, शादी करने के बाद उसने अपने पापा को फ़ोन किया और बताया कि आई एम मैरिड। पापा ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके बाद कहा घर में कोई भी इफ़त के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और इस टाइम पे जो इफ़त की एज थी वो 19 ईयर्स ओल्ड थी। बाय प्रोफेशन जो जावेद था वो पोलो प्लेइंग आर्मी मैन था। फिर उसने इफ़त की स्ट्रगल बताई है कि उसने पहले जो है पंजाबी बोलना सीखी, फिर जेहलम से, फिर जेहलम डायलेक्ट के अंदर इसने ग्रेजुएट किया जो कि जावेद के फैमिली के रेन में बोली जाती थी। उसके बाद उसने खुद को हंड्रेड ऑफ रिलेशन जो थे, जो कि ओल्ड रिलेशन्स थे, उनके नेम्स और सिचुएशंस खुद को सिखाए। एंड देन शी टर्न टू पोलोज इन एंड आउट, ये जो गेम थी शी डिस्कवर्ड, ये वैली ऑफ कगान नरान से शुरू हुई थी, सॉरी नॉट नरान ओनली कगान। इसके बाद जो उसने नेम याद किए हुए थे वो कैसे के रिलेशन थे, लाली, चीनू, बंटी, उसके बाद अपूर, गोगा, इस तरह से कुछ ना कुछ नेम्स थे, निक्की, चुन्नी। और ये नेम होने की बेस क्या थी, कोई ना कोई रिलेशन था, कोई ना कोई स्टोरी जरूरी होती थी, उस स्टोरी की जुड़ने की बेस पे ही ये वाले नेम ड्राइव किए गए थे, जो नेम इफ़त ने अपनी लाइफ में सीखे थे, स्ट्रगल की थी इनको सीखने के लिए। फिर वो कहते जब मैं इससे मिले इफ़त से तो उसकी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है ना फिज़िकली चेंज आ चुका हुआ था। कहते ये जो प्लेस थी द पिंक हाउस ऑन द हिल, जो कि ब्रिगेडियर की इन्वेंशन थी, ब्रिगेडियर बेसिकली फादर इन लॉ इफ़त के, तो कहते वहाँ पे तो इसकी जो ब्यूटी थी उसको बड़ा प्रेस किया जाता था, लेकिन हमारी तरफ स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटी रखी जाती थी। और इसके अलावा जो फादर थे इफ़त के जाने के बाद कभी भी इफ़त को माफ़ नहीं करेंगे, उन्होंने कभी भी इसको प्रॉपरली माफ़ किया ही नहीं, लेकिन मदर जो थी उन्होंने इफ़त को माफ़ कर दिया हुआ था।
अब इफ़त जो है उसका एक बेटा होता है जो जिसका नाम तैमूर होता है, और इसी दौरान इफ़त से पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड इन द वॉर। इफ़त बताती है जवेद जो है उसको बांग्लादेश भेजा गया था और वो एक मंथ बाद वापस आया था, ज़ख्मी था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसने खुद ही खुद को गोली मारी है ताकि ये इफ़त का फेस देख सके। सारा कहती मुझे ऐसी की बातें ना बताओ, कहती इसके बाद जो वॉर थी वो शुरू हो गई। मतलब जब उसने कहा ना ऐसी की बातें ना बताओ, किसके बारे में कहा, जवेद के बारे में कहा कि वो तुम्हारे लिए उसने खुद को गोली मार दी, तुम्हारा पास तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आया, कहती ये ओड थिंग है। एनी हाउ फिर उसके बाद ना वो बताती है वॉर शुरू हो गई, वॉर शुरू होने के बाद फिर कई लोग मर गए जिसमें जफर था उसकी भी लास्ट नाइट डेथ हो गई, किट्टू था उसकी भी डेथ हो गई, मीन्स डिफरेंट पर्सन के नेम लेके बताती है वो भी मर गया, वो भी मर गया। और कहती मैं इफ़त के साथ तब पिंक हाउस ऑन द हिल वहाँ पर ही रह रही थी जब एयर रेड हो रहे थे, ये वॉर हो रही थी, ब्रिगेडियर था वो अपनी गार्डन से स्ट्राइड कर रहा था, सोल्जर जो थे उसके साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। कहते हैं ये वॉर जो थी बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ देर बाद जब ढाका का फॉल हुआ तब हम पता लगा कि जवेद जिंदा है और इंडिया में है। इससे पहले इनको लगा था जवेद मर चुका हुआ है। एनी हाउ मतलब जवेद के कोई क्लू नहीं थे इनके पास पहले, अब इनको क्लू मिला क्या, वो जवेद ये जिंदा है और वो इंडिया में है प्रिजनर ऑफ अ वॉर के तौर पर। और जब जवेद वॉर के तो प्रिजनर के तौर पे वहाँ पे था इंडिया में, उस दौरान पे जो हमारी इफ़त है उसको दूसरा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आलिया, जो कि एक बेटी थी। और कहती जिस दिन इफ़त ने सॉरी जवेद ने वापस आना था उस दिन इफ़त ने अपना ब्राइडल ड्रेस पहना था, बड़े प्यारे से वो तैयार हुई थी। और फौजी जिसका इसने बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट पे नेम लिया था ना इसकी दोस्त फौजी, उसका नाम आता है फौजी जो है उसने उनकी फ़ोटोग्राफ खींची। फिर जवेद जो है सारी वॉर की स्टोरी सुना रहा होता है इफ़त को, और सारा ये स्टोरी सुन के बड़ी परेशान होती है कि किस तरह से ये जवेद सारी जो वॉर की टेरिबल हिस्ट्री है अपने माइंड से निकालेगा। एनी हाउ इसके बाद जवेद जो है वो आर्मी को छोड़ देता है, आर्मी को छोड़ने के बाद ये सरगोधा चले जाते हैं। सरगोधा जाने के बाद सरगोधा बेसिकली बताया गया पंजाब का एक लैंड है, और वहाँ जाने के बाद ये कल्टिवेटिंग और एक फार्म जो है उसको स्टार्ट करने का काम शुरू करते हैं। फिर कहते जब मैं नेक्स्ट टाइम इफ़त से मिली थी तब मुझे हैरानगी हुई कि इफ़त को ना ये जितने पोलो पोनीज थे उनकी ब्रीड्स के बारे में पता था, सारी कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर के बारे में पता था। और उस टाइम पे इफ़त के 3 बच्चे हो चुके हुए थे। इफ़त घोड़ों के बारे में बात करती है, पोनीज के बारे में बात करती है। उस दौरान जो है ना सारा हंस के कहती है कि शुक्र है इफ़त तुम अपने जैसे ही हो, मतलब जो तुम्हारी रियल लोकेशन रियल अपेयरेंस है वो रियल ही है, चेंज नहीं हुई है, शुक्र है तुम घोड़ों की तरह नहीं दिख रही हो। फिर उसके बाद दोनों जो आपस में मजाक वगैरह करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद स्टोरी जो है वो शिफ्ट होती है जब सारा रिकॉल करती है कि मेरी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स वो थे जब इफ़त मेरे रूम की तरफ आई थी, तिलत भी रूम में थी, हम तीनों क्रॉस लेग्ड होकर आपस में गपशप कर रहे थे, और उसके बाद जो मदर थी वो भी इनके रूम में आई, और किस तरह उनकी मदर उनके रूम में आई थी और उसके बाद अपनी मदर को ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा लेते थे। सारी बातें जो है ना इफ़त और सारा अपने मदर के मरने के बाद रिकॉल भी किया करते थे। ठीक है, ये इवेंट का जिक्र किया है, मतलब पहले सारा मेमोरी रिकॉल कर रही है कि कैसे इफ़त आती थी और सब कुछ होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि यही मोमेंट्स को इफ़त और सारा दोनों रिकॉलेक्ट करते थे अपनी मदर की डेथ के बाद। फिर इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है होम के कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे बताया जाता है कि अ वुमेन कैन नॉट कम होम, कि औरत घर में नहीं आ सकती है, होम वही होता है जहाँ पे मदर होती है। हम लोगों को ये होम के वुमेन के और मेल के कॉन्सेप्ट बड़े मिलते हैं, जैसे कि पीछे एक लाइन गुजरी है मैं आपको वो बता देती हूँ, मैन लिव इन होम्स एंड वुमेन लिव इन बॉडीज़। ठीक है, एक ये कोटेशन है फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग से इम्पॉर्टेंट है। एनी हाउ कुछ फेमिनिस्टिक टॉक होती है इनकी, इसके बाद बताया जाता है कि जो इफ़त है उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ कैसे हुई थी इसकी डिटेल पापा एंड पाकिस्तान में बताई गई हुई है। और इसके अलावा बताते हैं इनकी डेथ के ऊपर, जब इफ़त की डेथ होती है यानी कि एक मॉर्नफुल मोमेंट होता है इनके लिए, और ये इस मोमेंट को अपने लिए कैथारसिस का सोर्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अगर ये खुश रहेंगे तो इफ़त भी खुश रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस मोमेंट पर ये रोने की बजाय खुद को सोलेस देने की, खुद को कैथारसिस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इवन के तिलत रो भी पड़ती है, तिलत को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है इफ़त के बच्चों पे कि इफ़त के बच्चों के साथ क्या करना है। उसके फादर कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं उसकी फैमिली से बिलोंग करते, तो उसकी फैमिली को ही दो। एनी हाउ जब इफ़त के बच्चे पिंक हाउस हिल की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं, पिंक हाउस जो कि हिल के ऊपर है जिसको ब्रिगेडियर ने बनाया, तो सारा और तिलत दोनों ही बड़ा सैड फील करते हैं। इसके बाद जवेद जो है वो दोबारा शादी कर लेता है। ये दोबारा शादी कब होती है, सारा कहती है मैं पाकिस्तान चले गई थी न्यू हेवन वापस, कहती व्हेन आई विजिट पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो जवेद हैज़ रीमैरिड नाउ, उसकी दोबारा शादी हो चुकी हुई थी।
फिर कहती जब मैं इफ्फत के बच्चों से मिलने गई तो वो मुझे बड़ा स्ट्रेंज आंट की तरफ मतलब तरह से देख रहे थे, बड़ा शर्मा रहे थे मुझसे, क्योंकि देयर मदर्स यंगर सिस्टर ओल्डर नाउ देन देयर मदर वाज व्हेन शी वाज टेकन फ्रॉम देम, कि अब मैं उनसे भी बूढ़ी हो चुकी हुई थी इनकी माँ से जब इनकी मदर की डेथ हुई थी। तो कहते हैं 1980 से हम लोगों ने फाइल सबमिट करवाई हुई थी पुलिस स्टेशन में लाहौर के अंदर जो मर्डर हुआ था इफ्फत का उसके केस पे, लेकिन अभी तक वो अनरिजॉल्व था, लास्ट वो गॉटन के अब तो उसको भूल चुके हुए थे। तो इसने यहाँ पर जो पुलिस का सिस्टम है उसका भी बताया है कि कितना स्लो सिस्टम है, कितना करप्ट सिस्टम है, कि यहाँ पर कुछ भी सोल्व हो ही नहीं सकता। जैसा कि लाइन है, लाइज फॉर गोटन और पर हैव्स कम्प्लीटली लोस्ट बट वी हैव मैनेज टू लिव विद ओवर सेल्व्स इट सीम्स मेकिंग अ हैबिट ऑफ लॉस, कि हम लोगों को आदत हो चुकी हुई थी और हम लोगों ने खुद के साथ रहना ही खुद को एडजस्ट कर लिया था, मैनेज कर लिया हुआ था। फिर सारा और तलत आपस में बात करते हैं। सारा कहती है कि अगर इफ्फत जो है कि अगर इफ्फत से पूछा जाए कि उसके बच्चों के बारे में तो वो किस तरह से कसम खा के हमारे बारे में कहेगी कि हम जो हैं कभी भी उसके बच्चों को कहीं जाने नहीं देंगे। तिलत कहती है वी डिड नॉट हैव अ चॉइस सारा, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी सारा। एनी हाउ ये तिलत के बारे में तिलत और सारा फिर इफ्फत के बारे में सोचते हैं कि इफ्फत हमारे बारे में कैसा सोचती, इफ्फत हमारे बारे में क्या कहती और हम जिवेती घर में कैसे रह सकते थे बच्चों के साथ, ये सब कुछ इस तरह की बातें करते हैं। और कहते हैं कि इफ्फत जो है ना हमारी तरफ बहुत ज़्यादा है ना कंपैशनेट फील कर रही होगी आगे से। ये कहते हैं सिर्फ कंपैशनेट नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मॉडरेशन है ना तो इसलिए एक्सट्रीम का वर्ड लगता है एंडिंग पे, जैसे कि बट टू सच एन एक्सट्रीम। अभी एक्सट्रीम का वर्ड क्यों यूज़ किया, इमॉडरेशन डिफाइन करने के लिए, लैक ऑफ रिस्ट्रेंट डिफाइन करने के लिए। दैट शी वुड प्रोबेबली हैव इमेजिनड दैट वी वुड बी कैपेबल ऑफ मोस्ट रेडिकली कंपैशनेट एक्ट, यस शी वॉज एक्सट्रीम शी सेड and suddenly we smiled at some moment of Iffat's extremity. We did not need to tell them to each other but let those two moments rise between us like a tiny replication of her aura. Aura means air. और इसकी ending lines बहुत important है, वहाँ पर लिखा हुआ है जो इसे कहते हैं ना what was it that I dreamt, वो क्या था जो मैंने ख्वाब देखा। अब वो कहते हैं जो मैंने ख्वाब देखा था ना, मैंने क्या देखा था बताती है, आई लाइक टू इमेजिन दैट देर इज़ अ स्पेस फॉर इम्प्रोविडेंट एंजल्स, कि वहाँ पर फरिश्ते फरिश्ते थे, दैट वंस हु विश टू गेट अवे फ्रॉम टू मच लाइट देयर अ कंपनी ऑफ इफ्फत लाए, इफ्फत भी थी, आर्म्स क्रॉस देयर फोरहेड्स सच एन इंटेंसली फेमिलियर थॉट दैट इट ब्रिंग्स टीयर ऑफ डिलाइट टू ग्रेव आइज ऑफ गॉड। ठीक है, ये इसने इसकी एंडिंग की है कि उसकी जो इफ्फत की थी अपेयरेंस उससे टीयर्स ऑफ डिलाइट आ गए किसके आंखों में आए, टू द ग्रेव आइज ऑफ गॉड। ये राइटर ने यहाँ पे एंडिंग की है इसके साथ। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी जो समरी है वो क्लियर हो चुकी होगी। थीम इसमें जो इम्पोर्टेंट आया वो फेमिनिज्म का थीम आया, लव का आया, उसके बाद बिट्रेयल का आया, क्योंकि अपने फादर को छोड़ के चले गए थे धोखा देकर फैमिली को, क्योंकि वो पढ़ने गई तो पढ़ने थी एनी हाउ। और ब्रिटेल के साथ हमने वॉर का देखा, बांग्लादेश की वॉर का देखा, ठीक है, वॉर देखी हमने इसके अंदर और वॉर के जो इफेक्ट्स थे प्रिजनर वो देखा हम लोगों ने, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर का थीम देखा हम लोगों ने, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर देखा कि जब इफ्फत थी उसकी शादी होगी जुवेद की फैमिली में तो उसने किस तरह से उसकी कल्चर को सीखा, उनके लैंग्वेज को सीखा, उनके साथ रहना शुरू किया। चाइल्डहुड का थीम था इसके अंदर, जब हमने देखा कि दो सारे बच्चे तीनों शाहिद इफ्फत और साथ में सारा कैसे गेम्स खेल रहे थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है फेमिनिज्म का ऑन द बिहाफ ऑफ इफ्फत, कि इफ्फत जब कहती है अपनी बहन को कि मैं तुम्हें किसी को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी, कोई तुम्हारे बाल को छू के देखे मैं उसको भी मार दूंगी, कोई तुम्हें कुछ कहे मुझे बताना मैं उसको भी मार दूंगी, चॉप अप देयर लाइव्स इनटू लिटिल बिट्स एंड फीड देम टू ग्रो। उसके बाद शी हैज़ टू फेस सम प्रॉब्लम्स, अब किसके बाद शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। और नॉस्टैल्जिया का थीम जो कि पूरे जो चैप्टर है वो नॉस्टैल्जिक बेस्ड ही है। ठीक है, तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट थीम थे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।